आम आदमी पार्टी 7 सीटों पे अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। हम अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा को लेके एक प्रस्ताव अभी पिछले दिनों दिया था, उसके पहले दिल्ली को लेके भी प्रस्ताव दे चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रम की स्थिति में है। कभी वो कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, कभी अलग अलग उनके नेताओं के बयान आते हैं। तो मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड स्टेट में रह के, भ्रम की अवस्था में रह के आप जिन ताकतों से लड़ने जा रहे हैं उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। आपको निर्णय लेने की जरूरत होती है। आपको मतलब क्या रहेगा अगर अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है गठबंधन को लेकर? हम अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए, मतलब पार्टी की तरफ से लक्ष्मण रेखा बन चुकी है, अब उसको पार नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं आपसे यही बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी 7 कैंडिडेट घोषित करके अपने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तरीके से हम जुटे हुए हैं।